हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 5-6 का, जिसका नाम है पंचायती राज। पंचायती राज में स्टूडेंट्स हमने अभी तक ग्राम सभा क्या होती है, सरपंच किन के द्वारा चुने जाते हैं, पंच कौन होते हैं, ये सब चीज़ें हमने इसमें पढ़ा, और किस तरह से इनकी जो मीटिंग होती है उसमें डिस्कशन होता है वो हमने इसमें पढ़ा। तो आज हम लोग इसी में आगे जो मीटिंग का आगे का जो एजेंडा है वो हम यहाँ से आपका जो पेज नंबर है दैट वाज इस 4th पेज नंबर है इस चैप्टर का, वो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम हियर। द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा फॉर ग्राम सभा इज द फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। यानी अब जो नेक्स्ट एजेंडा था, यानी अभी तक जो एजेंडा था उसके अंदर ग्राम सभा के अंदर ये डिस्कशन किया गया कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे रोड्स को लेकर उन्होंने डिस्कशन किया। देन आफ्टर दे हैव टू बी डिस्कस अबाउट द वाटर फैसिलिटीज़ विच हैज़ टू बी प्रोवाइडेड इन द विलेज, उनके बारे में उन्होंने डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट उनका एजेंडा था, जो नेक्स्ट उनका टॉपिक था इस मीटिंग का, वो ये था फाइनलाइज करना कि कौन कौन से गाँव के जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन में या BPL लाइन के अंडर जो हैं वो आते हैं, विच हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। यानी ग्राम सभा ने जो एक लिस्ट मेंटेन की है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से गांव के जो लोग हैं वो BPL फैमिलीज़ के अंदर आते हैं। एज सुन एज द लिस्ट इज़ रेडी आउट पीपल बिगिन टू विस्पर। लेकिन जैसे ही जल्दी से जल्दी वो लिस्ट तैयार होके आई, लोगों ने आपस में विस्पर करना शुरू कर दिया। विस्पर हम कहेंगे स्टूडेंट्स कि फुसफुसाना, यानी धीरे धीरे जो है वो बात करना, ठीक है। तो लोग जो हैं उन्होंने धीरे धीरे बात करना शुरू कर दी, कि कुछ आपस में धीरे धीरे डिस्कशन करना शुरू कर दिया। नटवर हैज़ जस्ट ब्रॉट अ कलर टीवी, नटवर जो है उसने रंगीन टीवी ख़रीदा है। एंड हिज सन हैज़ सेंट हिम अ न्यू मोटरसाइकिल, और उसके बेटे ने उसको अभी नई मोटरसाइकिल दी है। हाउ कैन ही बी बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो वो गरीबी रेखा से नीचे कैसे है। सूरजमल मटर्स, सूरजमल जो है वो भी बड़बड़ाता है। टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, उस आदमी से जो उसके जस्ट साइड में बैठा हुआ है। सरोज सेज टू सुखी बाई, सरोज जो है वो भी सुखी बाई से कहती है, हाउ डिड बिरजूज नेम गेट ऑन द लिस्ट, कि बिरजू का नाम जो है उस इस लिस्ट में कैसे हो सकता है। ही हैज़ सो मच लैंड, उसके पास तो बहुत सारी ज़मीन है। दिस लिस्ट शुड हैव ओनली द पुअर पीपल, कि इस लिस्ट में जो है वो खाली गरीब लोग होने चाहिए। एंड ओम प्रकाश इज़ अ लैंडलेस लेबरर हु कैन बेयरली मेक्स एंड्स मीट, कि ओम प्रकाश जो है वो उसके पास ज़मीन नहीं है, वो एक मजदूर है, वो अपनी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं वो भी बहुत मुश्किल से पूरी कर पाता है। येट हिज नेम इज़ नॉट इन द लिस्ट, लेकिन उसका नाम यानी ओम प्रकाश का जो नाम है वो इस लिस्ट में नहीं है। यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड्स, तुम जानती हो कि नटवर और बिरजू दोनों ही क्या हैं, दोस्त हैं। ऑफ अमीरचंद, अमीरचंद के दोस्त हैं। हु कैन काउंटर अमीरचंद पावर, जिसकी वजह से अमीरचंद की पावर जो है वो बढ़ती है। सुखी बाई सेज, सुखी बाई कहती है, अमीरचंद वॉज द अर्लियर जमींदार लैंड ऑनर ऑफ द विलेज, कि सुखी चंद अमीरचंद जो है वो ज़मींदार था गांव का पहले, ऑफ द विलेज, एंड स्टिल हैज़ कंट्रोल ओवर अ लॉट ऑफ लैंड, और आज भी उसका जो है काफ़ी सारी ज़मीन के ऊपर कंट्रोल है, ठीक है। बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन, लेकिन फिर हमें जो है ओम प्रकाश का नाम जो है इस लिस्ट में होना चाहिए, चूँकि एक लेबर है और उसका नाम इस लिस्ट में नहीं है। द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट नोटिसेस पीपल विस्परिंग, और जो पंचायत के जो सरपंच थे, जो हेड थे, जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया, ध्यान दिया, दैट पीपल विस्परिंग, कि लोग धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। एंड आस्क इफ़ एनीवन हैज़ एनीथिंग टू से, और उन्होंने लोगों से पूछा कि किसी को कुछ कहना है क्या। सरोज ट्राइज टू प्रोवोक सूरजमल,
टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू। सरोज ने प्रोवोक किया सूरजमल को, उसको धक्का लगाया और कहा कि तुम बोलो नटवर और बिरजू के बारे में। बट ही कीप्स क्वाइट, लेकिन बिरजू जो है वो चुप रहा, सूरजमल जो है वो चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। अमीर चंद इज़ सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन, क्योंकि अमीर चंद जो है वो इस ग्राम सभा में बैठा हुआ था और वो सब लोगों के ऊपर अपनी नज़र बनाए हुए था। देन सरोज गेट्स अप, तो सरोज जो है उसे कंट्रोल नहीं हुआ और वो उठ खड़ी हुई एंड सेज, और उसने कहा दैट ओम प्रकाश, दैट ओम प्रकाश नेम शुड बी इन बीपीएल लिस्ट, कि ओम प्रकाश का नाम जो है वो बीपीएल लिस्ट में होना चाहिए। अदर्स एग्री दैट ही एंड हिज फैमिली आर वेरी पुअर, सभी लोग इस बात पे सहमत थे कि वो और उसकी परिवार जो है वो बहुत ही गरीब है। द सरपंच आस्क हाउ हिज नेम हैड बीन मिस्ड आउट, सरपंच ने पूछा कि उसका नेम, उसका नाम जो है वो कैसे इस लिस्ट में नहीं आया, किस तरह से वो रह गया, क्या रीज़न रहा। द टीचर हु डिड द सर्वे, और वो अध्यापक जिसने ये सर्वे किया था बीपीएल का फैमिलीज से, इन बीपीएल परिवारों का जो सर्वे किया था, उसने कहा ओम प्रकाश हाउस वॉज लॉक्ड, ओम प्रकाश का घर जो है उस पर ताला लगा था। व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ गया तो उनके घर पे ताला था। ही मे हैव गॉन समवेयर टू लुक फॉर वर्क, शायद वो कहीं काम की तलाश में गए हुए थे। द सरपंच गिव्स इंस्ट्रक्शन, सरपंच ने इंस्ट्रक्शंस दिए, निर्देश दिए दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम बी लुक्ड, उनकी परिवार की जो आय है उसको देखिए, एंड इफ़ इट इज़ लेस देन, और यदि वो कम है, वॉट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, सरकार ने जो मापदंड तैयार किया है, अगर उसके अनुसार उनकी आय कम है, हिज नेम शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट, तो उसका नाम जो है वो इस लिस्ट में शामिल होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली एंड वन ऑफ इट्स मेन टास्क इज टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर ऑल विलेजेस दैट कम अंडर इट, कि ग्राम पंचायत जो है उसकी मीटिंग्स जो हैं वो रेगुलरली होती हैं, नियमित रूप से होती हैं, एंड वन ऑफ इट्स मेन टास्क, और उनके महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है, इट इज़ टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द विलेजेस, कि उन गांवों के लिए जो गांव उनके अधीन आते हैं, सरपंच के अधीन आते हैं, तो उनके अधीन जितने भी गाँव आते हैं उनमें विकास से जुड़े हुए जो काम हैं वो नियमित होने चाहिए। The work of the Gram Panchayat has to be approved by the Gram Sabha. Gram Panchayat के जितने भी काम होते हैं उनको जो अप्रूवल है या जो उनको स्वीकृति मिलती है वो Gram Sabha से मिलती है। In some state, Gram Sabha form committees like construction and development committees. कुछ राज्यों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ग्राम सभा जो है वो अलग अलग समितियाँ बनाते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन है, डेवलपमेंट कमेटी है, इन कमेटियों का गठन किया जाता है। दीज कमिटीज इंक्लूड सम मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, इन कमेटियों में कुछ मेंबर्स इंक्लूड होते हैं ग्राम सभा के, फिर हम बात करें एंड फ्रॉम सम ग्राम पंचायत, और कुछ ग्राम सभा और कुछ ग्राम पंचायत के मेंबर्स इसमें होते हैं। हु वर्क टुगेदर कैरी आउट स्पेसिफिक टेस्ट, ये स्पेशल कार्य करने के लिए इन दोनों जो के हैं ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जो हैं इनके जो वर्कर्स होते हैं, इनके जो मेंबर्स होते हैं, वो एज अ टीम जो है इसके लिए, इस कमेटी के लिए काम करते हैं। फिर हम बात करें, लेट सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वॉज एबल टू डू, कि हरदास गांव की जो पंचायत है वो क्या क्या करने में योग्य है। डू यू रिमेंबर द ऑप्शन दैट वॉज सजेस्टेड टू सॉल्व वाटर प्रॉब्लम इन द ग्राम सभा ऑफ हरदास विलेज, हरदास विलेज की ग्राम सभा में जो सॉल्यूशन दिया गया था, जो ऑप्शन दिया गया था, क्या वो आपको याद है कि पानी को जो है वो किस तरह से वो वाटर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। व्हेन द हरदास ग्राम पंचायत हेल्ड ए मीटिंग, जब हरदास ग्राम पंचायत की मीटिंग शुरू हुई, दिस पॉइंट वॉज ब्रॉट अप अगेन बाई सम ऑफ द मेंबर्स पंच, तो फिर
जो पंचायत के कुछ पंच थे उनमें से किसी ने इसी एजेंडे को फिर उठाया। दिस मीटिंग वॉज अटेंड बाय द सरपंच, और ये जो मीटिंग है वो सरपंच के द्वारा अटेंड की गई थी, वार्ड मेंबर्स जो थे पंच थे और जो सेक्रेटरी थे उनके द्वारा। ग्राम पंचायत मेंबर्स फर्स्ट डिस्कस द सजेशन टू डीपन टू हैंड पंप्स एंड क्लीन वन वेल। पहले तो ग्राम पंचायत ने ये डिस्कस किया कि जो कुएँ हैंडपम्प हैं उनको और गहरा करवा दिया जाए और जो कुआँ है एक कुएँ को साफ करवा दिया जाए, सो दैट द विलेज वुड नॉट गो विदाउट वाटर, तो जो गांव है उस वो पानी के बिना नहीं रहे। द सरपंच सजेस्टेड दैट सिंस द पंचायत हैड रिसीव सम मनी फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ हैंडपम्प्स, लेकिन सरपंच ने कहा कि जैसे जैसे हमें जो है कुछ मेंटेनेंस के लिए जो है रख रखाव के लिए अगर हमें कुछ राशि सरकार से मिलती है हैंडपम्प्स, दिस कुड बी यूज, तो वो राशि जो है हम यूज़ कर सकते हैं फॉर कंप्लीटिंग दिस वर्क, इस कार्य को पूरा करने के लिए। द मेम्बर्स एग्रीड एंड द सेक्रेटरी रिकॉर्डेड दिस डिसीजन, सारे के सारे जो पंच थे उसमें वो इस चीज़ पे एग्री होते हैं और जो उनका सेक्रेटरी होता है वो उनके इस डिसीजन को उनके इस निर्णय को नोट डाउन कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। द मेंबर्स देन वेंट ऑन द टू डिस्कशन द ऑप्शन फॉर अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, लेकिन कुछ मेंबर्स ने कहा कि हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि इस समस्या का एक लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक जो है वो समाधान होना चाहिए। दे वर श्योर दैट, और वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल श्योर थे दैट द ग्राम सभा मेंबर्स वुड आस्क क्वेश्चन एट द नेक्स्ट मीटिंग, कि इसी संबंध में जो है अगली बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम पंच आस्क वेदर द वाटर शेड प्रोग्राम्स वुड मेक अ सब्सटेंशियल डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल, कि जो वाटर शेड्स प्रोग्राम होते हैं उस वो जो है एक बहुत ही अच्छा हम ये कहें कि एक लेवल हो सकता है जिससे हम पानी का जो लेवल नीचे जा रहा है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ डिस्कशन फॉलोड, बहुत सारा डिस्कशन इस पे होता है, विचार विमर्श होता है। इन द एंड इट वॉज डिसाइडेड, और इस मीटिंग के अंत में ये तय किया जाता है दैट द ग्राम पंचायत वुड अप्रोच द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, कि जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है उनसे ये बात की जाए अधिक विकास अधिकारी से एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑन द स्कीम, और इस स्कीम के ऊपर जो है और जानकारी उनसे हासिल की जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आपका आता है 3 लेवल्स ऑफ पंचायत, ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट